क्या हरियाणा रोडवेज का रंग अब बदल चुका है? क्या अब हरियाणा रोडवेज लाल रंग में नजर आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। हरियाणा रोडवेज की डिलक्स बस का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। किसने किया, कैसे किया है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अलग अलग संदेश जरूर भेजे गए हैं फोटो के साथ। वायरल फोटो में फरीदाबाद डिपो की बताई गई बस और उसके आगे गुरुग्राम भी लिखा हुआ है कि ये गुरुग्राम बस जा रही है। अब ये आप फोटो जो देख पा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो है। खबरें अभिटक ने इसकी पड़ताल भी की है। एक एक सच्चाई से पर्दा हम उठाएंगे, ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर क्या मैसेज वायरल किया जा रहा है। फिलहाल जो बस आप देख पा रहे हैं, इसे फरीदाबाद डिपो की बस बताया गया है। फरीदाबाद डिपो की बस बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया गया है। अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से मैसेज भी लिखा है और इस फोटो को वायरल किया है। किसी ने हरियाणा के परिवहन मंत्री को ही सलाह दे डाली है, नसीहत दे डाली है, तो हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों को लेकर भी कहा गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि रंग तो जचता ही नहीं, ये तो मध्य प्रदेश और यूपी की बसों जैसा लगता है, जो कि अच्छा नहीं लग पा रहा है। तो ऐसी नसीहत दी जा रही। तो खबरें अभिटक ने जिम्मेदारी समझते हुए कोशिश की है कि आपके सामने सच्चाई हम रखें। तो सच्चाई हम आपको अब बताने भी जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल राठी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रोडवेज का अधिकारी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अनिल राठी के पास आपको लिए चलते हैं, फोनलाइन पर मेरे साथ मौजूद है। अनिल, पहले ये बताइए कि अफवाह कैसे उड़ी कि हरियाणा रोडवेज की बस का लाल रंग कर दिया गया है? लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लगातार इस सोशल मीडिया के जरिए फोटो को वायरल कर रहे हैं और संदेश भेज रहे हैं कि ऐसा तो गलत किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको कमल जी बता दें कि पूरा मामला जो है वो 6 महीने पहले का था, जब 6 महीने पहले जो शत्रुजीत कपूर है उसे जो है वो रोडवेज के डीएम लगाया गया था, तो उसी दौरान एडीएम लगाया गया था, तो उसी दौरान का ये पूरा मामला था जब उन्होंने आदेश दिए थे कि तमाम जिलों में जो है वो दो दो बसों को जो है वो रंगों का बदलने का एक ट्रायल शुरू उनकी तरफ से करवाया गया था। हालांकि तमाम जिलों में जो है वो कहीं पे एक बस को जो है वो रंग बदला गया, कहीं पे दूसरी बस को, दो बसों को रंग बदला गया, तो तमाम जिलों में जो है वो इसी तरीके से ट्रायल रूप पे जो है वो हर बस का जो है वो रंग बदला गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रिया की बात कर दिया, लोगों की प्रतिक्रिया जब इस पूरे रोडवेज के बस को लेकर के आने लगी, तो कहीं कहीं जो है वो इस पूरे मामले से जो है वो रोडवेज को अपना पल्ला झाड़ना पड़ा और रोडवेज को अब जो है वो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, राजीव नागपाल जीएम फरीदाबाद हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। राजीव जी, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग संदेश भेज रहे हैं और एक फोटो को शेयर कर रहे हैं, हम दर्शकों को वो दिखा रहे हैं। खबरें अब तक ने बीड़ा उठाया कि अगर कोई भ्रमित करना चाहता है तो उसको रोका जा सके। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पोस्ट की सच्चाई हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि फरीदाबाद डिपो की बस उस फोटो में से बताया गया। सर, इसकी सच्चाई हरियाणा के सामने रखेंगे आप? सर, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो हमने उसको वो ट्रायल बेस पे किया था कि ये लड़कियों के लिए हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे जी, मतलब इस बस को जी। लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई ये कलर स्कीम कोई इसको तो चेंज हमने तो कर दिया है, क्योंकि वो जो पिंक कलर की बसेज है वो हमारी जो पहले से उसकी महिलाओं के लिए है हमारे पास जी जी, यहाँ पर जी पहले से उसपे जो उसपे चल रही है जी, तो इसलिए किसी भी प्रकार का कलर चेंज करने का या ऐसा कोई इसमें गवर्नमेंट का नहीं है। राजीव जी, आपके पास भी लोगों के फोन आ रहे होंगे या दूसरे जो अधिकारी आपके साथ उनके फोन आ रहे होंगे? सर, मैंने उनको बताया था कि ऐसा कोई हमने ये चेंज नहीं किया है, कलर की स्कीम तो अभी वही की वही है, लेकिन ये तो जैसे हमारे पास जो पिंक कलर की बसेज है, हमारे पास ये मिनी बसेज है जी, तो उसी को कहा था कि इसी में हम इनको लड़कियों के लिए वो करेंगे स्पेशल इस बस को जी जी, तो उसी के मध्यांतर में हमने इसको रखा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल वही का वही रखेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैले कम से कम, इसलिए हमने आपसे सवाल किया। नहीं सर, किसी भी प्रकार का इसमें नहीं है कि हमने कोई ये कलर स्कीम या किसी को भ्रमित करना है या ऐसी कोई भावना नहीं है। राजीव जी बताएंगे, आपने ये फोटो देखी है जिसमें इसको फरीदाबाद डिपो की बस बताया गया, क्या वाकई में ऐसी बस है फरीदाबाद डिपो में? वो बस सर अभी केवल क्योंकि वो पहले यहीं पर ही उसकी रिपेयर हुई थी जी, अपने यहीं पर ही हमारे इस वर्कशॉप के अंदर ही जी, और इसको यहीं पर इसको लड़कियों के लिए इसको हमने करना चाहता। क्या अभी भी सड़कों पर ये बस चल रही है? नहीं सर, नहीं वो नहीं चल रही है।
तो ये किसने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल किया, कुछ जानकारी मिल पाई आपने? कोई जांच बिठाने की बात कही है क्या? वो केवल एक दिन के लिए तो गई थी बस, केवल यहाँ ये पलवल तक ये गई थी बस केवल, जी जी, इसको करने के लिए बस। वो आप नहीं कर रहे, हम तो उसको वापस ही उसमें कर रहे हैं एज इट इज, जो उसका रूट है। यानी आप खबरें अभी तक पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी बस सड़क पर भी नहीं चल रही है जबकि सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं नहीं सर, अभी कोई बस नहीं चल रही थी। और ये जो बस है ये अब आप चलाएंगे भी नहीं, और ना ही ये बस बिल्कुल बेड़े में शामिल जो की गई थी, ये खड़ी है अब डिपो में? ये खड़ी है और इसका कलर वैसा ही तो करके जैसा हमारा ये नीले रंग वाला ये कलर है जी, ऐसा ही तो करके हम इसको रूट पे भेजेंगे। यानी कि आप जो ये बस सोशल मीडिया के पोस्ट के द्वारा वायरल हुई है, इसका आप नीला रंग करवाने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसका नीला रंग ही होगा सर, बिल्कुल अब इसका जी। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ ये एकमात्र अफवाह है सिर्फ? ये अफवाह है सर, इसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है किसी प्रकार की भी कोई। एक बार हमारे दर्शकों से दोबारा आप ये बात कहेंगे कि आप सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहा है उस पर ध्यान ना दें, और यही रंग है रोडवेज का, यही रहेगा नीले रंग का? हाँ, मैं सर आप लोगों से हरेक से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कलर है हमारा जो हरियाणा रोडवेज का, वो वही का वही है जो पहले का ही है। ये तो केवल अपना जो हमारी ये पिंक कलर की बसेस थी, जो हमारी ये अपना ये महिलाओं के लिए ये रखी गई थी, उसी के ये मध्यांतर में हमने इसको तो किया गया था। लेकिन अब इसको ना तो इस टाइम ये बस कोई तो चल रही है, ना ही इस तरह से इस तरह कोई कोई इसका प्रावधान है जी। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर अब तक से जुड़े, आपने कहा कि एकमात्र अफवाह है, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं इस खबर से संबंधित। देखिए सोशल मीडिया पर कुछ वायरल होता है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, खबर अब तक की बनती है कि भ्रमित कोई किसी को ना करे कि हरियाणा रोडवेज का रंग बदल रहा है। लोग लगातार मैसेज वायरल, बिना सच्चाई को जाने कोई भी आगे मैसेज बढ़ा देता है, लगातार फोटो को वायरल कर देता है। सच्चाई बता रहे कि कोई ऐसा भी कदम हरियाणा रोडवेज फिलहाल तक तो उठाने नहीं जा रहा। हरियाणा रोडवेज की बस का जैसा रंग है, जैसा आप सड़क पर देख पा रहे हैं वैसा ही है। एक और सच्चाई हम बता रहे हैं आपको, जो बस आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं कि जो बस आपको तस्वीर में दिखाई दे रही थी उसमें जो भी कहा गया था कि ये सड़क पर दौड़ रही है, ये सड़क पर भी नहीं चल रही है। ये बस फरदाबाद डिपो में खड़ी है, इसका भी रंग नीला करवाया जाएगा, ये भी जानकारी जीएम ने दी है। वायरल फोटो को अफवाह बताया, गलत है जो भी वायरल कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो वायरल मैसेज है वो क्या है ये भी आप जान लीजिए। हरियाणा रोडवेज का पुराना रंग था अच्छा, नए रंग में बस अच्छी नहीं लग रही। परिवहन मंत्री जी, हरियाणा रोडवेज की बस के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, इसे पहले जैसा ही रहने दें। इस रंग में हरियाणा रोडवेज यूपी और मध्य प्रदेश की रोडवेज बस की तरह लग रही है। धन्यवाद। ये सोशल मीडिया पर जो वायरल मैसेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि फेसबुक पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं हरियाणा के परिवहन मंत्री को। ये है सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज, एक बार फिर से देखिए। हरियाणा रोडवेज का पुराना रंग अच्छा था, नए रंग में बस अच्छी नहीं लग रही। परिवहन मंत्री जी, हरियाणा रोडवेज की बस के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, इसे पहले जैसा ही रहने दे। इस रंग में हरियाणा रोडवेज यूपी और मध्य प्रदेश की रोडवेज बस की तरह लग रही है। धन्यवाद। ये है सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज, एक बार फिर से वो तस्वीर हम दिखाते हैं जो वायरल की जा रही है। वो तस्वीर, ये है वो तस्वीर। सच्चाई जान लीजिए, ऐसी कोई भी बस फरदाबाद डिपो से निकलकर सड़क पर भी नहीं दौड़ रही। एक बार जरूर गई थी पलवल की तरफ, ये फरदाबाद के जीएम ने बताया है खबरें अभी तक पर, और तभी किसी ने इसकी फोटो खींच क्लिक की और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, फिर लोगों ने अलग अलग तरीके से मैसेज वायरल कर दिए। और देखिए जब ये अफवाह उड़ी उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी थी, और यहां तक कि जो रोडवेज कर्मचारी के प्रधान हैं, अलग अलग जो पदों पर बैठे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आने शुरू हो चुकी थी। उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुन लीजिए, जबकि हमने आपको सच्चाई बता दी। कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो बसें पहले से चलती आ रही हैं वो सबसे अच्छा कलर था हमारा, और ये एक तरह से फेलियर है क्योंकि हमारा जो कलर है वो बहुत ही पॉपुलर कलर है और उसको लोग लाइक करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कमिश्नर साहब से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से, अपने ACS मैम से, अब ये जो कलर है इसको ना खराब करके हरियाणा रोडवेज का जो पुश्तैनी कलर है उसी को चलाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करें। लोगों को बसों की ज़रूरत है, बसें कम हैं, वो बसें ज़्यादा लगाई जाएँ, रोडवेज के बेड़े में बसें शामिल करी जाएँ। कलर बदलने से कुछ नहीं होगा, अगर बदलना है तो
व्यवस्था को बदलें, लोगों की सुविधाएं दें। बताइए, इस तरह से लोग प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं बिना सच्चाई जाने, लेकिन खबरें अभी तक ने आपको सच्चाई बताई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल मैसेज हुआ। एक बार फिर से वो वायरल मैसेज आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि क्यों ये मुद्दा आज हमने उठाया है। इस जिम्मेदारी हमारी बनती है कि सच्चाई आप तक पहुंचाए, क्योंकि अभी भी कई लोगों को मालूम तक नहीं था। जो वायरल मैसेज है वो आपके सामने है और इसकी सच्चाई भी हम बताएंगे कि अब खुद DPR हरियाणा ने और हरियाणा बीजेपी ने रीट्वीट जो किया था वो भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री को भी यहाँ पर सलाह दे दी गई सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से कि एक्सपेरिमेंट ना करें, पहले जैसा रंग ही रहने दे। इस रूप में बहुत अच्छी लगती है हरियाणा रोडवेज की बस, और जो रंग लाल दिखाया गया मध्य प्रदेश और यूपी की बस की तरह लग रही है, धन्यवाद करके ऐसे मैसेज वायरल कर दिए गए। लेकिन आपके सामने सच्चाई आ गई है और एक जो सच्चाई बताई गई है खुद DPR हरियाणा की ओर से, वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या कहा गया। और जो हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद के GM है, उनसे हमने बातचीत की थी, आपने सुना भी था, उन्होंने कहा था कि है बस, कलर ऐसा है, लेकिन इक्का दुक्का बस हमारे पास थी, और जो पिंक कलर की बस की गई थी लड़कियों के अलग से चलाने के लिए, तब भी एक बस थी, लेकिन अब इसे डिपो में ही रखा गया। एक और बात अहम है, शायद आपको जाननी चाहिए कि जो कलर इस पोस्ट में नजर आ रहा है बस का, उसको भी बदला जाएगा, उसको भी उसी रंग में लाया जाएगा जो मौजूदा कलर है, जो मौजूदा रंग है हरियाणा रोडवेज का। लोग इसे पसंद करते हैं, हरियाणा के लोगों की पहली पसंद हरियाणा रोडवेज है, तो इसलिए इस मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी। अब सच्चाई जानिए, आप सच्चाई क्या बताई गई वायरल मैसेज की वो आप जानिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज की बसों का रंग बदलकर लाल रंग का किया जा रहा है। अब फैक्ट यह है, तथ्य यह है कि हरियाणा रोडवेज द्वारा बसों के रंग को बदलने की अभी कोई योजना प्लानिंग नहीं है। फैक्ट चेक DPR हरियाणा, ये ट्विटर हैंडल, और हरियाणा बीजेपी ने रीट्वीट किया, आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिख रहा है। उन्होंने भी सोचा कि इसको फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो आखिरकार ये सच्चाई सबके सामने है। एक बार फिर से आपको बता दें, हरियाणा रोडवेज का कोई भी रंग बदलने फिलहाल तो नहीं जा रहा, आने वाले वक्त में क्या हो क्या नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल कोई योजना हरियाणा रोडवेज की नहीं है। ये हम आधिकारिक तौर पर आपको जानकारी दे रहे हैं हरियाणा रोडवेज की ओर से, क्योंकि फरीदाबाद के हरियाणा रोडवेज के GM ने ये जानकारी हमें दी।